अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है मेरा आगे का जो आने वाला प्लान है इमीडिएटली वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अंकित एंड यू आर वाचिंग अ ट्रैवल स्टोरी। फर्स्टली तो आई अपोलोजाइज कि मैंने सेकंड वीडियो अपलोड करने के लिए इतने दिन ले लिए। आगे से आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स हमेशा आती रहे। मुंबई में जब से मानसून आया है ना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड मेरा कैमरा सेटअप कुछ इस तरह से है तो मुझे डर है कि अगर ये भीग गया एंड कुछ ख़राब हो गया, आई नो आईफोन में वाटरप्रूफिंग अच्छी होती है, बट अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो मेरी रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे कहीं जाना है बट नॉट श्योर बारिश आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार देखते हैं। बारिश तो नहीं आ रही है तो अभी जहाँ जाना है वहाँ चल के बात करते हैं। ये अपना आउटफिट ऑफ द डे, अभी 5 महीने रोज़ सबका आउटफिट ऑफ द डे यही रहने वाला है, बिकॉज मुंबई में बारिश आए या ना आए, हाँ ये पहन के निकलना ज़रूरी है क्योंकि रिस्क नहीं लेने का बाबा बिल्कुल भी। एंड आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ कॉमन थिंग फॉर एवरी हाउस होल्ड इन मुंबई, बिकॉज कपड़े सुखाने की हमेशा प्रॉब्लम होती ही है। लिफ्ट भी बंद है यार, नीचे उतर के जाना पड़ेगा। चलो बाय, चलो फटाफट उतरते हैं 8 माला एंड अपनी बाइक पे बैठते हैं जाते हैं। लेट्स गो। हाय, कितनी प्यारी लग रही है ये, बहुत लास्ट 1 हफ्ते से मैंने इसको चलाया नहीं है बिकॉज इधर उधर के काम में, घर के काम में, ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी था, बट अभी वापस देख रहा हूँ कितनी प्यारी है यार, इसको कितना भी देख लो इसमें दिल नहीं भरता है। चलो चलते हैं। मैं अभी हूँ मलाड वेस्ट में क्योंकि मुझे यहाँ आना था, अगर आप लोगों को नाम दिख रहा होगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई फ्यू स्टफ फॉर मी। बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। चलो आई एम हियर एट बाइकस्टर ग्लोबल क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला आई वॉन्टेड टू बाई फ्यू स्टफ फॉर मी एंड माई बाइक। ये अपने अतीक भाई है, ये आपको आपके अपने स्टोर के बारे में बताएंगे कुछ, तो अतीक भाई थोड़ा बताएं अपने ऑडियंस को। So Bikester Global was started back in 2018. We got incorporated that time. We did a lot of motorcycle tours at that time. So we used to do tours in international destinations like Spain, South Africa, Bali. Then we moved to Indian destinations like Ladakh, Spiti, also Bhutan, which is technically not international, but yeah, it can also be considered as international. Okay. Then COVID happened back in 2020. That is when we started our online store. Okay. And online store ke baad we thought ke yaar we are getting a lot of traction. Uh-huh. A lot of people want to come and see the product, feel the product. Mm-hmm. So that's when we thought that it's time that we also start an offline store so that these people can come to our store, see the products, feel the products, and accordingly make a informed decision. Okay. So we opened our first outlet. Uh-huh. This is our first physical store. Okay. And this was opened on 7th of April. Which is like around 2.5-3 months ago. Okay. And we are getting phenomenal traction. A lot of people have started to come and visit. A lot of people have made purchases. A lot of people have just come to see, you know, what kind of products we have. Because, okay. These guys have been seeing us online. Mm-hmm. And so they also wanted an interaction, wanted to see who's running Bikester Global, what's the story behind Bikester Global. Yeah. So a lot of them have just walked in and mm-hmm. asked us, ke, ये स्टोर अपना मलाड में है, तो अगर आप मलाड से हैं या उसके आसपास के एरिया से हैं तो आप यहाँ पे आके लिंक रोड पे है ये स्टोर, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। मैं इनके स्टोर की जो लिंक है, ऑनलाइन लिंक है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। अभी अतीक भाई से थोड़ी बात करते हैं अपने बाइक के रिलेटेड, एंड मैं आपको मिलता हूँ घर। मैं अभी जस्ट घर पर पहुँचा हूँ और मेरे आते साथ ही इतनी ज़ोरदार बारिश हुई है,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है मेरा आगे का जो आने वाला प्लान है इमीडिएटली वो पोस्टपोन करना पड़ेगा, बट देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सो मैंने ये लिया वैक्सा ग्लोबल से, दीज आर रेडा एयर वेव, ये बहुत ही अच्छे ग्लव्स है। दीज आर नॉट वाटर प्रूफ बट गुड अनफ टू बी यूज इन रेन। वहाँ पे बहुत सारे मुझे ऑप्शंस मिले थे ग्लव्स के तो, बट मुझे ये अच्छे लगे। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी बट वो उनके पास अनफॉर्चुनेटली यू नो स्टॉक में नहीं थी, तो यू नो मे बी नेक्स्ट टाइम। बाइकस्टर ग्लोबल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रिगार्डिंग राइडिंग गियर, राइडिंग एक्सेसरीज, हेलमेट, लगेज, ऑल ऑफ देम। अगर आप मलाड एंड मलाड के आसपास के एरिया में रहते हो तो डू चेक देयर स्टोर। सो अपडेट ये है गाइस कि एक राइड प्लान हो रही है, जगह ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ हार्डली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई, बट जिस तरह से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, द वे आई एम ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस इज़ गना बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड बहुत मज़ा आएगा अगर ये राइड हो पाई। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इतने दिनों से इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो मुझे अगर ये ऐसे ही चलती रही बारिश तो मुझे नहीं लगता कि ये राइड हो पाएगी, बट फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे ये राइड करनी है बिकॉज इट्स जैसे मैंने आपको बताया, इट्स गॉन बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत लोगों से मिलूंगा मैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है आगे। इसमें इस राइड में मेरा न्यूली मेड बडी रोहित फ्रॉम प्रो डायरीज भी रहेगा, सो उसके साथ भी एक कोलैब करने की ट्राई करेंगे। मानसून आ गया है गाइस, एंड आप लोगों को तो पता ही है कि मानसून में मुंबई एंड मुंबई के आसपास की जगह किसी हेवन से कम नहीं होती। मेरे माइंड में ऐसी कुछ जगह है जहाँ मैं जाने वाला हूँ आने वाले दिनों में एंड आने वाले मानसून के महीनों में, बट अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी जगह है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देयर यू हैव इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरे ट्रैवल से रिलेटेड सारे फोटोज एंड वीडियोज आपको वहाँ पहले देखने मिलेंगे बिफोर इट इज़ अपलोडेड टू यूट्यूब। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।